जोर जबरदस्ती किसी भी इंसान के पीछे पड़ने वाले, मतलब कि कोई इंसान हमसे बात नहीं करना चाह रहा, हमारे साथ नहीं रहना चाह रहा, हमको कांटेक्ट नहीं करना चाह रहा, लेकिन हम ना उस इंसान के पीछे जोर जबरदस्ती पड़े हुए हैं, जबरदस्ती उसको कॉल कर रहे हैं, जबरदस्ती उसको मैसेज कर रहे हैं, जबरदस्ती उसको कांटेक्ट कर रहे हैं। तो आप भी अगर ऐसा करते हो तो ये वीडियो आपके लिए, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट जरूर देखना। वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जोर जबरदस्ती किसी भी इंसान के पीछे पड़ने वाले, मतलब कि कोई इंसान हमसे बात नहीं करना चाह रहा है, हमारे साथ नहीं रहना चाह रहा है, हमको कांटेक्ट नहीं करना चाह रहा है, लेकिन हम ना उस इंसान के पीछे जोर जबरदस्ती पड़े हुए हैं, जबरदस्ती उसको कॉल कर रहे हैं, जबरदस्ती उसको मैसेज कर रहे हैं, जबरदस्ती उसको कांटेक्ट कर रहे हैं। तो आप भी अगर ऐसा करते हो तो ये वीडियो आपके लिए, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट जरूर देखना, ये वीडियो कमाल की होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो यार, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि सामने वाला इंसान उनसे बात नहीं करना चाह रहा है, उनको कॉल नहीं करना चाह रहा है, उनको मैसेज नहीं करना चाह रहा है, उनके साथ नहीं रहना चाह रहा है, वो इंसान उनको साफ मना कर दे रहा है कि भाई हमें कॉल मत करो, मैसेज मत करो, है ना, हमसे बात मत करना चाहो, हम नहीं चाहते हैं। लेकिन फिर भी ये इंसान ना बार बार जोर जबरदस्ती उसको कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, उसके पीछे पड़ गया भाई, वो इंसान इसको ब्लॉक कर दे रहा है, ब्लॉक कर दे रही है सब जगह से, है ना। अब ये इंसान नया नंबर से उसको कॉन्टैक्ट कर रहा है, दूसरा नंबर से कॉन्टैक्ट कर रहा है, वो इंसान इसको साफ मना कर दिया, फिर भी वो किसी और से, अपने दोस्त यार फ्रेंड सबसे उसको बुलवा रहा है कि भाई हमसे बात करो, हमको कॉल करो, मैसेज करो, मेरा बहुत बुरा हाल है आपके बिना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो ना रोने लग रहे हैं उसके लिए, उसके सामने गिड़गिड़ाने लग रहे हैं, उसके सामने एकदम रिक्वेस्ट करने लग रहे हैं। अरे भाई, कर क्या रहे हो ऐसे में ना, आप सामने वाला इंसान के पीछे ना जोर जबरदस्ती पड़े हो, जबरदस्ती कर रहे हो आप उस इंसान को, ना फोर्स कर रहे हो उसके ऊपर, ना दबाव दे रहे हो, और ये यार बहुत गलत चीज़ है। क्योंकि देखो यार, किसी को अगर आपके साथ रहने का मन नहीं है तो उसको कभी भी फोर्स नहीं करना चाहिए, उसको कभी भी दबाव नहीं देना चाहिए यार, उसके साथ जोर जबरदस्ती कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ना नेगेटिव चीज़ है, ये आपका इमेज भी खराब करता है, और आप कितना भी फोर्स कर लो, कितना भी दबाव दे दो, कभी भी वो इंसान आपके साथ नहीं रहेगा भाई। अगर ऐसा होता तो दुनिया में बहुत सारे लोग जिसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, उसको फोर्स करके अपने पास रख लेते। कभी भी कोई इंसान किसी को फोर्स करके, दबाव देके, जबरदस्ती अपने पास नहीं रख सकता है, ना उससे बात कर सकता है, ना उसको कॉल कर सकता है, ना मैसेज कर सकता है। आप अपना सिर क्यों ना पटक दो, अगर सामने वाला इंसान अगर आपसे बात नहीं करना चाह रहा है तो आपसे नहीं करना चाह रहा है, नहीं करेगा किसी भी कीमत पर। थोड़ा सा कड़वा है यार, लेकिन सच है। यहाँ पे आप भी तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को धज्जियाँ उड़ा के रख दिए, आप अपना इज्जत खुद कहाँ कर रहे हो जो सामने वाला इंसान कर रहा है। आप खुद अपना अगर इज्जत किए होते, खुद अपना रिस्पेक्ट किए होते, तो कभी भी किसी भी कीमत पे आप उस इंसान को दोबारा कॉल या मैसेज नहीं करते जिस दिन वो इंसान आपको मना कर देता है। यार अपना भी कुछ इज्जत है, अपना भी कुछ रिस्पेक्ट है यार, अपना भी कोई कदर है, हम भी इंसान हैं, हम किसी से बात करना चाह रहे हैं, किसी के साथ रहना चाह रहे हैं, उसका साथ चाहिए हमको, वो हमसे बात करे, कॉल करे, मैसेज करे, हमें अच्छा लगेगा, हमें ये पसंद है। बट सामने वाला अगर मना कर दिया है, मतलब ना, सिंपल सी तो बात है, हम कैसे ढीठ इंसान है यार कि हम बार बार उस इंसान को कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमें इज्जत नहीं दे रहा है। अरे भाई, तू कभी अपना इज्जत किया? आपने कभी खुद की इज्जत की? नहीं की। अगर की होती ना तो दोबारा उस इंसान को मुड़ के नहीं देखते, चाहे वो इंसान कितना भी खूबसूरत हो, कितना भी हैंडसम हो, कितना भी क्यूट हो, कितना भी ब्यूटीफुल हो, वो अपने घर के लिए है, वो अपने लिए है, या जिसके लिए है उसके लिए, हमें उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। ये आपके अंदर एटीट्यूड ही नहीं है, आप तो गिर के रह रहे हो भाई। वो इंसान मिल जाए, पता नहीं, वो इंसान अगर मिल भी गया आपको, ध्यान समझना, वो आपके तरस खा के, आप पे रहम करके, आपको खैरात में आपसे बात भी करने लगे, तो ये जिल्लत भरी ज़िंदगी आप कभी नहीं बर्दाश्त करोगे यार। वो इंसान ना कभी भी मुंह पे ये बोल सकता है कि भाई अगर हम बात कर रहे हैं ना तुमसे, तो तुम पे रहम खा के, ये भीख में हम तुमको दिए हैं, ये भीख में तुमको मिला है हमसे बात करना, हमको कॉल करना, मैसेज करना, उस समय कितना बुरा लगेगा, कितना हर्ट होगा, कितना दिल दुखेगा, उस समय तो दिल टूट जाएगा ना, बहुत बुरा लगेगा, हो सकता है आँख से आंसू आ जाए। इसलिए यार, कभी भी कोई इंसान अगर हमें एक बार मना कर देना, तो उस इंसान की तरफ कभी मुड़ के नहीं देखना चाहिए यार, कभी भी किसी भी कीमत पे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। ना का मतलब होता है ना, ऐसा नहीं यार कि उसके सामने हम अपनी ऐसी की तैसी करवा रहे हैं, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, भाई बात कर ले हमसे, हमको कॉल कर, मैसेज कर, नहीं। इसलिए कभी भी आप किसी के पीछे मत भागो यार, किसी के साथ जोर जबरदस्ती मत करो, जोर जबरदस्ती उसको फोर्स करके ये मत बोलो कि यार आप हमारे साथ रहो, हमसे बात करो, हमको कॉल करो, हमको मैसेज करो, ये चीज़ सही नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता है कि ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जितने भी आपके दोस्त यार फ्रेंड हैं उनको ये वीडियो जरूर दिखाना यार, ये वीडियो जरूर शेयर करो हर एक फ्रेंड को, हर एक दोस्त यार को, और खासकर कोई इंसान जो ऐसा करता है उसको ये वीडियो जरूर शेयर करो, व्हाट्सएप पे शेयर करो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह शेयर करो। और अगर आपके लाइफ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो जिसको फेस कर रहे हो, तो मेरे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, जाओ आप उसको देखो, आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा और आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो फिर आज के लिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।